की थी, उसके बाद आपने हाथ को पलटा, अपना हाथ नीचे किया और उनका हाथ ये रखा है, जावा का हाथ ऊपर रखा और फरमाया मुराद अल्लाह कहो, अल्लाह की मुराद बन गया। अब तक शाह नेमत मुरीद थे, अब अल्लाह ताला मुरीद हो गया, जब अल्लाह ताला मुरीद हो गया, अब तक शाह दिलावर मुरीद और अल्लाह मुराद, और अब हाथ बदल कर आपने फरमाया मुराद अल्लाह कहो, अल्लाह मुरीद और तू उसकी मुराद। कोई मकाम का समझ नहीं, अल्लाह की मुराद बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत ही ऊंचा मकाम है। और मैं आपको एक बात भी कह दूं, मुरीद मुरीद हो जाना मामूली बात नहीं है, मुरीद होना भी मामूली बात नहीं है। अगर बराबर उनका से नजर दे, मुरीद भी हो जाओ तो बड़ी बात है, इसलिए कि अल्लाह के नामों में से एक नाम मुरीद है, अल्लाह के नामों में से एक नाम मुरीद। मुरीद के माने इरादा करने वाला, और सच्ची बात तो यह है इरादा है तो सिर्फ उसी का, हमारा इरादा कुछ भी नहीं, हम इरादे करते ही टूट जाते हैं, और जब वो इरादा करता है तो कामयाब हो जाता है, जब वो इरादा करता है तो कामयाब होता है। असल मुरीद वही है, अल्लाह के जो उम्मातु सिफात है, सात सिफतें खास अल्लाह ताला की है, जो तमाम सिफतों में बड़ी है, उनमें एक सिफत इरादे की भी है, कुदरत अल्लाह की, इरादा भी अल्लाह का। हमारे पास क्या कुदरत है, हम बोलते हैं मैं कुदरत रखता हूँ, नादान तौर पर क्या कुदरत है, अगर कुदरत रखता है, अगर कुदरत रखता है तो पानी पिया हुआ पेट में रुक जाए, पेशाब ना हो तो तेरी कुदरत जारी करने के लिए फौरन पाते हैं, बेंगलुरु चलो क्या है, तो नहीं पानी भर गया है, नहीं हो रहा, दो दोस्त नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है गलत। अल्लाह ताला जिस फितरी तौर पर वो पानी निकालने का जो इंतजाम किया है उसमें थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, तीनों ब्लॉक हो गए, परेशान नहीं, चलो बेंगलुरु चलो, क्या है 300 रुपया है, परेशान नहीं, वो माफ रहेगी। और फिर हो जाता है क्या गुजर सकते हो तुम, तुम्हारे तुम पिए हुए पानी को निकालने की कुदरत नहीं रखते, और क्या हो सकते होंगे। पता नहीं जिंदगी में कितने 11 पी लिए और क्या क्या पी लिए, सबको ना निकाल देता है, और जब उजाड़ा होता है रुक जा समझे तो फिर देखते हैं कि परेशान हो जाते हैं, क्या कुदरत है तुम्हारी, क्या इरादा है तुम्हारा, और ये इरादा ही सब कुछ है, ये इरादा ही सब कुछ है, हर चीज इरादे के ताबे, हर चीज इरादे के ताबे होती है। बैठे हुए लोगों में से पेशाब भी आता होगा किसी को, घंटे दो घंटे बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, पेशाब आ जाता है, किसी का पेशाब खराब होगा नहीं, बराबर जाकर ढंग से बैठते हैं तब भी तब होता है, उसमें से पीछे से कोई जोर से पुकार दिया, इरादा गया तो होता होता भी बंद, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, इरादा खत्म हुआ, काम भी खत्म हो गया। फिर हमने इरादा किया, नहीं कुछ भी नहीं जाएगा, टैर गड़बड़ हो गई थी, टैर बंद हो गया, धमाका हुआ है, फसाद हो गया, नहीं नहीं टायर खराब हो, फिर बैठे फिर चालू। तो काम किसके ताबे है, इरादे के ताबे है, अदना आदमी के इरादे के ताबे है, तो कुदरत का इरादा क्या होता होगा, कुदरत का क्या इरादा होगा। अब भाई अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मेरे नाम चाहे जावे के तरफ से फरमा रहे मुरादुल्लाह को, अब उसका इरादा होता होगा तो क्या कर सकते हैं, क्या उसका इरादा होता होगा, क्या देता होगा अल्लाह तबारक व तआला, इसको शायद दिलावर के नाम से याद करते हैं, किसको अल्लाह ने मेहदी अमाउंट में मुरादुल्लाह कहा है, अब तो अल्लाह की मुराद हो जाए।
मुरीद उल्लाह में तो ये होता है कि बंदा चाहता है बंदा वो करता है, और मुरादुल्लाह में ये होता है कि वो चाहता है और बंदा करता है। और इसका क्या हुआ हकीकत में, उसका क्या हुआ बन जाता है। बोल बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्या हुआ, कौन मुरीद हो रहा है, कौन बनाता है
लोग देखते रह जाते हैं क्या बना है, क्या बना रहा है, क्या फूल का हार बनाया है, क्या सहरा है, अपनी तरफ खेलता रहता है। वो कमाल किसका है? वो फूल का नहीं है, बनाने वाले का है, कमाल है वो। और अगर गधे के सामने डालो तो सूंघेगा, खाया तो खाया तो चले जाएगा, वो सड़ जाएंगे। तो 90 बेटी उससे कहीं ज्यादा है। अगर आपको बिल्कुल चाहिए तो खुदाने के पास जाओ, तो खुदा का उसको समझाएगा। गधे बैल के पास जाकर दर्जा की बेटी को डालेंगे तो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि उसकी तौहीद होगी। और तौहीद इसीलिए हो गई है कि बाप को समझते नहीं, बुलाने नहीं है, बुलाने नहीं है। मैं दूसरे रफा बोलना नहीं चाहता, मैं दूसरे रफ बुलाना नहीं चाहता, फुलावा नहीं तो फुला है ये बोलना चाहता। मैं अपनी जबान को गंदी करना नहीं चाहता। मैं उनके पास पहुंचेंगे तो क्या होगा? वही होगा, जो वो काम करता है वही काम करेगा। इसलिए आपको कहता हूँ, फरामी ने मेहंदी सुनो तो आप मनो सजाना। फरमाने मेहंदी जब हम बोलते हैं, नगर मेहंदी बोलते हैं, तो आपकी नजर मेहंदी मामूद कर जानी चाहिए। फिर उसके बाद उस मानी पर आप गौर करो तो फिर वो बात सही हो सकती है। दुनिया में बात की कीमत होती है जात से, दुनिया में बात की कीमत होती है जात से। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी गजा क्या है, इसका शेर है भी। और उससे दूसरा सवाल क्या कहते हैं कि शेर किसका है, जज्बात का है, अरे क्या कहने इसके। तो अब जो है पसंद तो आया, मैं जब शायर का नाम मालूम हो गया तो और आप भड़क उठे, अरे वो तो शायर है साहब। तो इसी तरह नकल मेहंदी सुनो तो पूछो किसकी नकल है ये। जब हम कहते हैं मेहंदी की है तो आपको उछल जाना चाहिए कि क्या बात है। फिर गौर करो तो आप उसके मानी और मतलब आपके सामने खुलते रह जाएंगे। आप सुनना ही नहीं चाहते या सुनकर भी आप इनकार करना चाहते हैं, तो याद रखो जिस जो रास्ता इनकार से शुरू होता है वो कुफर पर खत्म होता है। जो रास्ता इनकार से शुरू होता है वो खत्म कहाँ तक होता है? कुफर तक। और जो रास्ता तस्दीक से शुरू होता है वो खत्म होता है ईमान तक होता है। आप इनकार से शुरू करेंगे या तस्दीक से शुरू करेंगे? तस्दीक से आप शुरू करो, आमन ना हो सकता ना कहो, फिर रास्ता तय करो। अल्लाह तबारक व तआला खुद आपको मानी खोल कर बयान कर देगा। तो क्यों किया हजरत बेंगे मौत अलैहिस्सलाम ने मुरीदुल्लाह मुरादुल्लाह क्यों किया? कब करता है अल्लाह? उस वक्त करता है मुरीदुल्लाह होने में इख्तियार था, मुरीदुल्लाह होने में इख्तियार था। मुरीद ना है इख्तियार होता है, और मुरादुल्लाह कब होता है? जबकि इख्तियार बाकी नहीं रहता। इस बात को हजरत बेंगे मौत ने अपनी दूसरी नजर में दूसरे मतलब पाया। हमारे पास जो खसूस कहती ही है रसूलुल्लाह के हाफिज को या मेहंदी के फरामी, किसी किसी वक्त में कोई बात उस वक्त के सिचुएशन के अतबार से कही जाती है, लेकिन हदीस या नकल बोलने वाले पूरे सिचुएशन को सामने रखकर बात नहीं करते, बल्कि जो जरूरी बात होती है वो बात को बोल देते हैं। यहाँ भी ऐसे मालूम होता है कि शायद रावल के तरफ से मेरे मौत सामने फरमाया, अगर किसी ने रूए जमीन पर किसी चलते हुए मुर्दे को ना देखा हो तो शायद जलावर को देखते हैं। आप देखें किसी मुर्दे को जमीन पर चलता हुआ, मुर्दा तो किसे बोलते हैं हम? मुर्दा किसे कहते हैं? जो चलता भी नहीं, इसके पास इरादा नहीं, इसके पास हरकत नहीं, इसके पास कुदरत नहीं, इसके पास काहिल नहीं, उसे क्या बोलते हैं आप? मुर्दा। मुर्दे को असर जैसा जाता है जहां जाता है नहलाता है, जैसा जाता है रगड़ता है, जो जाता है जिधर भी जाता है जाता है, और फिर उसको जो कपड़े आप पहनाना चाहते हैं वो पहना देता है। फिर ले जाकर उसको जिस खबर में दफन करना चाहते हैं दफन कर दो,
ऊपर नक्की डालो, भी करो उसके तरफ से एहतजाज नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, आवाज नहीं, उसको कहते हैं मुद्दा। मेरे साहब फरमाते हैं अगर किसी शख्स को मुद्दे को जमीन पर चलता हुआ देखना चाहते हो तो ढाई हजार रुपये देना। मतलब क्या हुआ, तुम्हारे सामने जिंदा है मगर दस के बाद से मुद्दा है, कोई अख्तियार नहीं है उनके पास। जब बे अख्तियार होते हैं तो अल्लाह की मुराद बन जाते हैं, अख्तियार होता है तो बुरी होता है, अख्तियार रखते हैं तो भी, लेकिन जब बे अख्तियार हो गया अल्लाह के हवाले है, जो चाहे तो कर ले, किसी बात का इतराज नहीं, उसको मुर्दा कहते हैं। बेनफसी, बे अख्तियारी, बे गर्जी, बे तलबी, दुनिया की तरफ से कोई चीज़ नहीं होती, जो होता है वो करने वाला होता है, उस पर सिर्फ उस पर नजर आए और फिर उसके सिवा और किसी चीज़ पर नजर नहीं होती, उसको बुला देते हैं। एहसास भी नहीं होता उसे, उसे एहसास तक नहीं होता, न हरारत है, न जिंदगी है, न एहसास है, वही मुर्दा होता है। हर जिंदगी में शाह दिलावर जिंदा होता है, उसमें वही कह रहता है भी तो मेरे बहुत जैसे फरमाया कि मुराद मुर्दा हो गया। कितना ऊँचा मुकाम था हर शाह दिलावर का, चलो मेरे बहुत मेरे साथ सामने आपके पास ये करना है। फिर आपका मुकाम जो रिवायत आई है, आजकल जो रिवायत बड़ी गड़बड़ पैदा कर रही है, ये गुड़िया आई और मेरे सामने घुमाया कि ये शाहरुख खान मैंने कई सालों से जमा किया है कटको जाने के इरादे से, मैं इसको जाना चाहती हूँ, मगर मेरे पास महरम नहीं है साथ में, मैं मजबूर हूँ, महरम के बगैर तो किसी औरत के लिए जाना सही नहीं है, हज नहीं कर सकते। तो मैं कल फरमाया आपकी उम्र ऐसी हुई है, ऐसा कर दे दायरे में बखूर पहा है कई दिन से, दायरे में कई दिन से बखूर पहा है, हज को जाने की रकम इन बुखरा को खिला दे और तमन्ना है तेरी अगर चल मैं तवाफ तो करना है जाना तो भाई दिलावर के हुजरे का तवाफ कर ले, तू जिस मकसद के तहत खर्च कर रही है वो मकसद तेरा पूरा हो जाएगा। तुम्हारा हज को जाते ही तो मकसद क्या है तुम्हारा, तवाफ करना, तेरा मरना,